किसी यूनानी फलसफी ने क्या खूब कहा वॉर यानी सच जंग में सबसे पहले घायल होता है यूं महसूस होता है कि वतन अजीज पाकिस्तान में जंग हमेशा से जारी है क्योंकि हमारी गुफ्तु और बहस मुबासे में सच का अमल दखल पहले कम था और अब नापायद है हालात हादरा हकीकत होते हैं अफसानी नहीं। अफसोस है कि हमारे यहाँ बेष्टर टॉक शोज में हालात को हकीकत नहीं अखबार झूठ मकर और फरेब आवाम में ही जान पैदा करते हैं ताहम यह याद रहे कि हकायक मुकदस होते हैं फैक्ट आर से ई आवाज़ रेडियो और टीवी आपके लिए एक नया प्रोग्राम ला रहा है हकीकत या फसाना ताकि सच और हकीकत को बुनियाद बनाकर तबसरे की एक नई बुनियाद डाल सकें ख़वातिनो हजरात सलाम मैं मुर्तज़ा हैदर ई आवाज़ रेडियो और टीवी की जानब से आपको एक नए प्रोग्राम हकीकत या फसाना में खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में मेरे हमरा होंगे जनाब अनवर इकबाल साहब जो वाशिंगटन डी सी में डॉन अखबार के कॉरस्पॉडेंट हैं और एक अरसा दराज से सहाफत से मुंसलिक रहे हैं अनवर इकबाल इससे पहले द मुस्लिम अखबार और द न्यूज़ अखबार इस्लामाबाद में शामिल थे मैं कैनेडा की टोरटो मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी में, में, में मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ और इसके अलावा नैशनल पोस्ट अखबार में एक हफ्ता कॉलम लिखता हूँ कि जिसका फोकस इकनॉमिक्स ऑफ सिटीज पर होता है इससे पहले फ्रंटियर पोस्ट अखबार इस्लामाबाद और न्यूज़ अखबार में मुंसलिक रहा एक ऐसा दराज तक डॉन अखबार में कॉलम भी लिखता रहा हकीकत या फसाना को आप तक पहुंचाने की जरूरत इसलिए पेश आई कि पाकिस्तान में खबर और तबसरा अब झूठ मकर और फरेब पर मबनी है हकीकत या सच अब आपको लोगों की बात और जुबान पर नहीं दिखाई देता हम चाहते हैं कि बजाय इसके कि आप तक खबर रेडियो टी वी अखबार या सोशल मीडिया से पहुँचे कि जिसकी आप तहकीक ना कर सकें हकीकत या फसाना खबरों में छुपे हुए फसानों को हटाकर आपके सामने हकीकत पेश करेगा सहाफत और तहकीक से अनवर इकबाल और मेरा कई दहाइयों का रिश्ता है इसी तजर्बे को बुनियाद बनाकर हम आपके लिए हकीकत या फसाना ला रहे हैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले अनवर और मैं आपसे कुछ वादे करना चाहती हूँ हमारा पहला वादा यह है कि इस प्रोग्राम में जो भी गुफ्तु होगी हक या सच को बुनियाद बनाकर होगी हम इस प्रोग्राम में सच बोलने और सच को समझने की कोशिश करेंगे इसमें हम किस कदर कामयाब होते हैं इसका फैसला आप करेंगे मैं अनवर इकबाल को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और उनसे पहला सवाल उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में करता हूँ कि जो है इंतहाई अहम है मगर उसकी कोई ज़्यादा तशहर ना हो पाई ये फैसला सदर पाकिस्तान जनाब जनरल मुशर्रफ की सजाए मौत की तोसीक़ का है अनवर आपने ये फैसला देखा और सुना आपकी इसके बारे में क्या राय है पहले तो ये है कि ये जो हमारे सदर मुशरफ उनको उनके उनका इंतकाल हो चुका है ठीक है तो सजाए मौत की तोसीक़ इंतकाल के बाद बेमानी है जाहिर अब उन्हें कबर से निकाल के तो फांसी नहीं दी जा सकती और ना दी जानी चाहिए इनकबा के दौरान बाद मुल्कों में रवायत भी रही है लेकिन बहुत नामनासिब और गलत है और हमारा मज़हब इसकी इजाजत भी नहीं देता और रही बात कि ये सजा जो है ये सजा जो दी गई है क्या अब इस सजा का कोई फायदा भी है असल गुस्तों मैं इस पर करना चाहता हूँ एक तो आपने सुना होगा कि कहते हैं कि इंसाफ जो देर से आए जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड अगर इंसाफ यानी जरूरत के बाद आए तो फिर तो बेकार है जो कोई कुछ हासिल नहीं होता मसल इस केस में किसी को सजा तो नहीं हो सकती लेकिन बादल ऐसे होते हैं कि मामला के गुजर जाने के बाद वाकत के गुजर जाने के बाद भी उन पे किसी नतीजे पे पहुँचना जरूरी होता है तो मैं समझता हूँ कि यह एक नतीजे पे पहुँचने की बड़ी अहम कोशिश है और जैसा आपने कहा कि इसको नजरअंदाज किया हमारे यहाँ मीडिया ने जानबूझकर किसी दबाव के तहत या समझ नहीं सके इस मजबूरत को मैं समझता हूँ बहुत सारे अकलमंद लोग बैठे हैं हमारे मीडिया में बड़े समझदार और सीनियर लोग हैं समझते सब कुछ है लेकिन हमारे यहाँ बाद मामला पे लोग गुफ्तु करते हुए घबराते हैं तब देखिए इस फैसले की सूरत में इस, इसके क्या नतज हो सकते हैं आ, अगर ये जो है कि ये समझ लेना कि हमारे यहाँ जो फौजी पिछली फौजी हुकूमत थी मुशरफ साहब की वो आखिरी फौजी हुकूमत है उसके बाद फौज नहीं आएगी खुश फहमी है उम्मीद है और हमें रखनी चाहिए लेकिन पाकिस्तान में आप यकीनी तौर पे कभी भी नहीं कह सकते कि हाँ अब फौज नहीं आएगी फौज किसी वक्त भी आ सकती है अगर उसने जरूरत महसूस की और अगर उसने ये समझा कि एक, एक ऐसा मौका है जिसपे उसको वेलकम किया जाएगा फौज क्यों आती है हमारे यहाँ आप ये देखें कि हमारे यहाँ जब भी फौजी इनकलाब आए अयूब खान साहब का हो जनरल हक का हो या मुशरफ साहब का हो तो उसमें आबादी के एक तबके ने, ने उसको वेलकम किया क्योंकि उससे पहले माहौल ऐसा पैदा हो गया था जिसमें सियासी तौर किसी तब्दीली की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी ये माहौल किसने क्रिएट किया था इस माहौल के क्रिएट करने में एक तो खुद सियासतदानों का हाथ है हमेशा रहा है कि हमारे सियासतदान अपने मामला को खुद हल नहीं कर सकते और वो मामला को और कशीदगी को वहाँ ले जाते हैं जहाँ फिर किसी न किसी तीसरे फरीक़ की मुदाखलत जरूरी हो जाती है दूसरा है कि जो तीसरा फरीक है ये खामोश तमाशाई नहीं है मसलन हमने खुद देखा हमारे और आपके होश की बात है जब फकार अली भुट्टो के खिलाफ मुहिम चल रही थी

दूसरे अवामल भी शामिल थे अब क्या है अब ये है कि मुल्क में हालात दोबारा वहां पहुंच गए अब हम मौजूदा हालात पे आते हैं, वहां पहुंच गए हैं जहां लग ये रहा है कि सियासी उलझावे इतने बढ़ गए हैं कि उनको सुलझाने की कोई वाज कोशिश होती नजर नहीं आ रही है और कोई बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं है अब अगर ऐसे में कोई तीसरी कुत ये समझे कि और ये कि हाँ अब वक्त आ गया है कि मैं टेक ओवर कर लूं तो वो टेक ओवर कर भी सकती है और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो वेलकम भी कर लेंगे तो इसलिए जरूरी है कि एक तो अवामी यानी आमा किसी भी किस्म के फौजी टेक ओवर के खिलाफ हो और दूसरे दूसरी दूसरीवतें जो है माशरे में उसमें सबसे अहम कुवत जो है वह है अदलिया की अदलिया वाज तौर पर यह फैसला कर दे कि भाई नहीं हालात कैसे भी हों फौजी टेक ओवर दुरुस्त नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला हुआ है वो फैसला जो है वो पहला कदम है इस बात को मुकम्मल तौर पर वाजा करने की तरफ कि कोई सूरत हाल कैसी भी हो हालात कैसे भी हों फौज को इतदार में नहीं आना चाहिए अगर इकतदार में आए तो उसके नतज होंगे जो शख्स फौजी इनकलाब लाएगा वो मुसीबत में पड़ेगा आज पड़े कल पड़े पढ़े तो उतरने के बाद पड़े अगर किसी एक शख्स के खिलाफ सजाए मौत मौजूद रही तो वो जो भी आने वाला होगा वो दस सफर सोचेगा कुछ भी करने से पहले और इसलिए कुछ वाकता बहुत अहम है।, है उसकी वजह यह है कि जैसा आपने बयान किया कि एक मरतबा ये बात तय हो गई कि आइन के खिलाफ अगर कोई अमल होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ऐसा नहीं है कि आप आइन को हर 10-12 साल के बाद तोड़ दें और दूसरी बड़ी बात जिससे आपने कहा कि सियासी मसलों का हल भी सियासी ही होगा गैर सियासी हल पायदार नहीं हो सकता तो लिहाजा चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और गालिबा इसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं होगी क्योंकि जहाँ तक हमें समझ आ रही है कि जो मुशरफ साहब की फैमिली है वो उन्होंने ये केस प्लीट नहीं किया तो इसके माने ये हैं कि कोई ज़्यादा लोग इसके खिलाफ इस फैसले के खिलाफ शायद मज़ीद कोई कानूनी चारा जो चाराजोई ना करें जिसके माने ये हुए कि अब ये शायद पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो कुतें हैं इस बात का एहसास कर ले कि हम सियासी मसाइल का हल सियासत से ढूंढेंगे और वो सियासतदान के जो कोशिश करके मुल्क को ऐसे हालात तक ले आते हैं कि सियासी हल नामुमकिन हो शायद उनकी भी पजीराई लोगों की नज़र में कम हो क्योंकि सियासत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है तो अनवर ये एक तो फैसला ये था जो बड़ा फैसला था लेकिन पिछले चौबीस घंटों में या अड़तालीस घंटों में पाकिस्तान में कई चीज़ें रूनुमा हुई जिनका ताल्लुक सियासत से कम और सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है मेरा माना जो है मैं इशारा कर रहा हूँ जनाब जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की रेजिग्नेशन का और अब से कुछ ही घंटे पहले हमने देखा कि जनाब जस्टिस एजाजुल हसन साहब भी मुस्ताफी हो गए आपकी नज़र से ये दोनों खबरें गुजरी होंगी हम चाहेंगे कि हमारे नाज्रीन के लिए आप ये बता सकें कि ये इस्तीफे क्यों आ रहे हैं क्या ये अच्छा ना होता कि ये जस्टिस साहिबान अपने अपने नुक़ नजर को आवाम के सामने ओपन कोर्ट में प्लीट करते ताकि अगर कोई साजिश जा सके वो कहना चाह रहे हैं मज़ाहिर नकवी साहब के उनके खिलाफ कोई कॉन्सिप्य हो रही है ताकि वो आवाम के सामने उस पर गुफ्तु होती ताकि लोग देख पाते तो आपकी क्या राय है इसके बारे में पहले नकवी साहब की रेजिग्नेशन की और दूसरे एजाजुल हसन साहब की जिनके खिलाफ कोई कोई मुकदमा भी नहीं था कोई ऐसा रेफरेंस भी नहीं था लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने ख़त में ये लिखा कि मैं जिस तरीके से मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ जो जो रेफरेंस है उसको देख रहा हूं उसकी बुनियाद पर मैं दिल बर्दाश्तता हो गया हूं और मैं अपने ओहदे से दस्तदार होता हूं तो आपकी क्या राय है देखिए अगर ये जो दो इंडिविजुअल केसेस हैं अब उसमें मैं समझता हूं खास तौर पर क्योंकि क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान मतलब विश्व हैं तो और हमारे सामने हम और हम मैं और आप हम बातmul से बाहर बैठे हुए हैं हमारे इल्म में वही कुछ है जो अखबारों में आ रहा है जो टी वी पर आ रहा है हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कोई ऐसे दस्तावेजा नहीं देखे जिसमें हम कोई हतमी तौर पर यह बात कह सकें कि हाँ ये जो चार्जेस थे जस्टिस नफी पे याद साहब पे तो खैर अभी कोई चार्जेस आए ही नहीं है कुछ अगर आ सकते थे तो उनमें क्या हकीक़त है और क्या अफसाना है लेकिन इस पर आप गौर वा, करें कि ऐसा क्यों हो रहा है हो ये रहा है कि हमारे मुल्क में जो कश्मकश कश्मकश है और और के दरम्यान अब वो कश्मकश आगे बढ़ के दूसरे अदारों को भी अपने दायरे में ले रही है अब जो अदलिया है वो आप देखें मुसलसल ऐसे मामला में अदलिया को फैसले करने पड़ रहे हैं जो उसको नहीं करने चाहिए थे कि भाई किसी भी सियासी जमात का जो है सिंबल क्या होगा यानी एक तो सिंपल सी बात है यार कि अगर किसी को जो सिंबल चाहिए दे दें आप ये इस बुनियाद पर कि भाई ये सिंबल पॉपुलर है उसको वोट पड़ जाएंगे इस बुनियाद पे आप उसको डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि उस जमात की अपनी कमाई है ये उस ने अनवर ये आपका इशारा जो है वो जाहिर है कि पी को आम, और को बल्ले बल्ले, बल्ले का निशान न देना जिस तरह की इससे पहले पीपल्स पार्टी को तिलवार का निशान नहीं दिया गया और मजबूर किया गया कि वो तीर के निशान और आपने देखा कि वो तीर भी मकबूल हो गया चाह रहा हूँ इस वक्त मैं चाह रहा हूँ कि ये फैसले सुप्रीम कोर्ट के होने ही नहीं चाहिए बजा ये फैसले जो है सियासतदानों को करने चाहिए इलेक्शन कमीशन को करने चाहिए और खालिश इस बुनियाद पर करना चाहिए कि भाई इस शख्स की दो फैसले होते हैं एक तो ये इस पार्टी या इस शख्स की ख्वाहिश को ये निशान मिले और दो ये कि किसी और के पास वो निशान है या नहीं है अगर किसी और के पास वो निशान नहीं है तो उसको वो निशान मिल जाना चाहिए अब हमारे यहाँ होता क्या हमारे है हमारे यहाँ ये होता है कि फिर वही बात आ जाती है स्टैब्लिशमेंट इस वाली इस्टैब्लिशमेंट और सियासतदानों की जो कशमकश है वो चल चल रही है बहुत बल्कि शिद्दत आ गई है उसमें उसमेंट में यह समझा जाता है कि बाज आ, 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 जो पार्टियां हैं खासतौर पे पी टी और इमरान खान वो अवाम में मकबूल है जो कि हैं बहुत मकबूल है हम और आप यहाँ रहते हैं नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा कि किस किस तरह मैं कहूँगा बुरी तरह इमरान खान यानी एक नेगेटिव टर्म है बुरी तरह कहना आ, लेकिन पूरी तरह कह लें पूरी तरह इमरान खान यहाँ मकबूल है लोगों के अक्सर उनके साथ है पाकिस्तान में भी उनकी मकबूलियत है तो इसलिए वो ये समझती है कि अगर आवाम को कंफ्यूजन का शिकार कर दिया जाए जब वो वोट डाले जाए और बल्ले का निशान ना हो तो उनको समझ में ना आए कि इसको वोट दें तो इस तरह बहुत सारे वोट ज़ाय हो जाएंगे या बल्ला किसी और को दे दिया जाए तो उसको वो वोट पड़ जाएगा वो जीत जाएगा अब ये देखिए ना ये एक ऐसा झगड़ा है जिसमें जहर अदलिया को इसलिए मुलविस होना पड़ रहा है कि इसमें सिर्फ सियासिक यानी उम्मीदवार और इलेक्शन कमीशन का नहीं मसला है बल्कि तीसरी भी शामिल है जिसका जिक्र कहीं नहीं होता इलेक्शन तो हो हो इस के तो इस तो इस बहुत सारे फैसले हैं जिसमें अदलिया पूरा बल्कि इससे मैं कि आइन की इंटरप्रिटेशन करनी पड़ रही है इंतख्या के हवाले से नुमाइंदगी के हवाले से सियासत के हवाले से अब ये ये चीजें तयशुदा होनी चाहिए लेकिन हमारे यहाँ नहीं है अदलिया को आइन अदलिया से आइन के आइन क्या है आइन यार एक लोग कहते हैं कुरान हदीस नहीं है बिल्कुल कुरान हदीस नहीं है लेकिन एक मुकदस चीज है आइन वो है जिसके तहत आपकी कौमी जिंदगी गुजरती है लिहाजा बहुत अहम है तो उसमें उस सिलसिले उस में बहुत चीजें तय होनी चाहिए और उसमें किसी की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए लेकिन है लिहाजा अदलिया को अदलिया को ये सारे फैसले करने पड़े अब मैं आता हूँ कि मैंने इस बात का जिक्र क्यों किया वो इसलिए इसलिए किया कि जब ये फैसले करती है तो फिर अदलिया पे भी दबाव आता है मुसलसल आता है आपने देखा कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आते रहे हैं मुख्तल किस्म के फैसले करवाए गए हैं सियासतदानों को फांसियाँ दिलवाई गई हैं अदलिया से और अब अदलिया मानती है कि वो फांसी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जैसे ये अब ये फैसले किया कि आ, वो जो उन, आ, उनका जो फौजी था जनरल मुशरफ का वो गलत था तो चलो उसमें तो अभी भी कोई फायदे की उम्मीद है मगर ये फैसला को फांसी देने के बाद ये करना कि फांसी गलत थी अब उससे क्या क्या, क्या निकल सकता है अब क्या वो जजों को फांसियाँ देंगे पूरे ऑल द वे जाए तो तुम वो तो नहीं देंगे जो लोग मलो से क्या है उनको फांसियाँ देंगे वो भी मर गए तो अब ये है कि अब ये सारे फैसले जो हैं ये होने हैं क्योंकि अब सारा मलबा उठा के काम नहीं लेकिन सारा उनके सर पे डाल गया। अब वो बेचारे इस फैसले को करने पर मजबूर हैं जब ये फैसला करते हैं तो उसमें वो इंडिपेंडेंट नहीं है उन पर मुख्तफ किस्म के दबाव आते हैं आप ये देखिएगा कि ये कोई शायद हो सकता है कि ये आखिर इस ना हो हो सकता है और के दबाव आए हो सकता है और जज आए हो सकता है नए जज आए हो सकता है एक नया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आ जाए क्योंकि अब ये लड़ाई जो है के अलावा अब इस ये लड़ाई को नहीं हो गई इस मुसलस में सियासतदान इस्टेबलिशमेंट और अदलिया भी आ गई है और उसमें तीनों को नुकसान पहुंचेगा और अल्टीमेटली क्या हो रहा है क्या हो रहा है कि रियासत रोज बरोज कमजोर होती जा रही है हम और आप जब बच्चे थे उस जमाने में जितनी रियासत पाकिस्तान मजबूत थी उस वक्त भी कहा जाता था कि ये पहले आज से ज्यादा मजबूत थी लेकिन अब हमें नजर आ रहा है कि उस वक्त कमजोर है, तो है के के फैसले नहीं मानी जाते इसलिए मैं समझ हाँ नाजरीन के लिए मैं ये बताना चाहूंगा की चूंकि हम नॉर्थ अमेरिका में मुकिन हैं तो यहाँ कुछ दो चीजें जो हैं थोड़ी मुख्तलिफ हैं पहली चीज ये कि जो आला अदालतें हैं वो हर केस को नहीं सुनती बल्कि बेशतर केसेस को वो सुनने से इनकार कर देती हैं इस बात पर कि जो उनसे जेली अदालतें थी अगर वो उनके फैसले से उनको एग्रीमेंट है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होती वो कहते हैं कि जी आखिरी फ़ैसला जो हाई कोर्ट से या फेडरल कोर्ट से आया या सुपीरियर कोर्ट से आया वही मुकदम है और उसके बाद मज़ीद किसी गुफ्तु की गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान में मैं ये नहीं देखता देखता कि तकरीबन हर केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार हो जाती है और जो केस नहीं सुने जाते शायद उनकी कोई दूसरी वजह हो दूसरी बड़ी बात यह है कि यो आपने बार बार कहा और जिसको रिपीट करना जिसका दोहराना जरूरी है वो ये कि अगर इदारे अपने काम करें अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम करे अगर वो इस तरह के मसाइल ना खड़े करे तो जरूरत ही नहीं कि अदलिया को इनमें टांग अड़ाने की जरूरत पड़े और ये फैसले उनको करने पड़े तो हमारी जो है उम्मीद होगी गुजारिश होगी कि जो फैसले सियासतदानों ने आपस में करने वो आपस में कर लें जो चीज़ें अदारों ने तय करनी है कि किसको क्या निशान देना है उसका भी कर ले ताकि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रटेशन पर काम कर सके ना इसके कि लोगों के जतीी मसाइल हल कर पाए आपने कहा कि रियासत कमज़ोर हो गई तो इसी बात को बुनियाद बनाकर मैं आपसे अगला सवाल करना चाहता हूँ अभी अगेन एक और शय एक और ख़बर कि जिसको पाकिस्तान में तशहर नहीं मिल रही वो वाशिंगटन डी सी में आई एम एफ की गुफ्तुश और उनकी अपडेट्स हैं तो इस वक्त पाकिस्तान का एकतसाद उस नहज पर आ चुका है कि अगर आई एम एफ की सपोर्ट ना मिले तो मुल्क के अकतसाद को निज़ाम को रियासत को चलाना करीब नामुमकिन है तो मेरी गुजारिश होगी आपसे कि आज की जो खबर है आई एम एफ की वो क्या है और उसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान के और पाकिस्तान की इकॉनमी पर आज जो है आई एम एफ ने पाकिस्तान के साथ जो 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 पिछला समझौता किया था उसका जो, उसकी जो एक किस्त है आखिरी शायद किस्त है आ, जिसका फैसला करना है और जो मेरी सलाह है अभी मैं इसी का खबर में काम कर रहा था वो ये है कि नब्बे फीसद उम्मीद यह है कि, न, है कि हमें यह किस्त मिल जाएगी और उसके बाद फिर हमारी कोशिश ये होगी कि एक और समझौता हो जाए आई एम एफ के साथ अगर जिसके तहत हमें दो चार अरब डॉलर मजीद मिल जाए और जिससे हमारा सिलसिला चलता रहे आपको मैं ये याद दिलाता चलू कि ये पा, पाकिस्तान जो है ने दुनिया में शायद सबसे ज्यादा समझौते आई एम एफ के साथ पाकिस्तान ने किए अगर रकम के, के लिहाज से सबसे आगे अर्जेंटीना है लेकिन समझौतों की तादाद के लिहाज से हम तेईस समझौते कर चुके हैं और अगर एक मजीद हुआ तो फिर ये चौबीसवा होगा हमारा समझौता और उसके बावजूद हमारी इकतसदी हालत दुरुस्त नहीं हुई इस पर हम बात भी बात करेंगे कि क्यों नहीं हो पाती लेकिन असल बात यह कि पहले समझने की कोशिश करें कि आई एम एफ क्या है अब यहाँ यहाँ जो हमारा मौजू है वो हम हमारा जो है हमारे प्रोग्राम का जो नाम है वो उसको हम यहाँ ला सकते हैं आ, वो ये है कि और अच्छा बल्कि उस वाले से मैं एक बात और कर लूँ जो हम पिछली गुफ्तु कर रहे थे रियासत की और अदलिया की और इस्टेबलिशमेंट की अब उसमें हम एक बात कर दूँ कि एक यानी अफसाना नहीं ख्वाहिश कह दें ख्वाहिश मेरी भी और आपकी भी यही है कि हर अदारा अपनी जगह अलग अलग काम करे और फैसले मेरिट की बुनियाद पर हों सिर्फ ठीक है ऐसा है नहीं सबका सब ने ट्राई करके देख लिया अपने तौर पर काम करने की साफ ने हुकूमत करने की कोशिश की उनसे नई हुई फौज ने मार्शल लॉ लगाया दस दस साल, गयारे, गयारे साल रहे उनसे हुकूमत नहीं हुई भी किया गया वो भी नहीं चलता तो क्या हमें देखिये अब ये तो हमारी ख्वाहिश है अफसाना नहीं ख्वाहिश है कैसा हो नहीं हो रहा तो हकीकत क्या है हकीकत यह है कि हर इनमें से हर फरीक का अपना एक इंफ्लुंस है उनके असर असरख है और इसकी वजह से हर फरीक इस पोजिशन में है कि दूसरे फरीक को चलने ना दे, तीनों के तीनों अदलिया भी सियासतदान भी और फौज भी तो जरूरत इस बात की है कि सारे मिल के बैठे और बैठ के एक न, एक तो नेशनल स्ट्रेटेजी, एक नेशनल नैरेटिव बनाए कि भाई ये मुल्क है ये हालात हैं, इस मुल्क को चलाना है इस मुल्क को बचाना है लिहाजा जिस भी फरीक का जितना इन्फ्लुएंस है उसको तस्लीम किया जाए और मिल बैठ के एक ऐसा रास्ता बनाया जाए जिसमें बात आगे चले पाकिस्तान जिस तरह एक मजाक बन के रह गया दुनिया में यानी यानी मैं एक दफा गया यहाँ मेरी लैंड में यूनिवर्सिटी में लेक्चर था वहां तो वहां मैं पाकिस्तान पे हो रहा था तो मैं क्लास में चला गया मेरी हमारी पाकिस्तानी कुछ स्टूडेंट स्ट्र, उन्होंने कहा कि सर आप ही आए तो इस पर गुफ्तु हो रही है तो देखे क्या कहते हैं तो वो पढ़ा रहा था उस्ताद तो उसमें मिसाल दी गई सियासी अफरा तफरी की सियासी अफरा तफरी मुल्कों को कैसे तबाह करती है उसमें सबसे ज्यादा और बार बार मिसाल पाकिस्तान की दी गई तो यानी हम एक मजाक बन के रहेंगे दुनिया में तो ये जो है हमें समझ के एक हकीकत पे मबनी सिलसिला स्ट्रेटी निज़ाम नैरेटिव बनानी चाहिए जिससे चल सके अब वो नैरेटिव हम आते हैं उसको उसकी जरूरत किस तरह अतियात में भी है अब मसला क्या है मसला ये है कि पहली बात जो हमारे यहाँ अजीब होता है पहले आप जाते हैं आईएमएफ के पास ठीक है ना और बड़ी कोशिशों से आप अमेरिका से दरखास्त करते हैं वफूद आते हैं मिलते हैं यहाँ से वफूद जाते हैं और सऊदी अरब से आप कहते हैं चीन का इंफ्लुंस इस्तेमाल होता है सब कुछ कह कहलवा के आप एक समझौता करते हैं आई एम एफ से ठीक है और करके आप वहां जाते हैं और वहां मजे की बात यह है कि समझौता करने वाले और ना करने वाले यानी के लोग और मीडिया और सब आई एम एफ को इस तरह देते हैं जैसे लगता है कि हमारे पीछे पड़ा हुआ था कि भाई हमसे पैसे ले लो हम नहीं ले रहे थे और जबरदस्ती ले ली ऐसा नहीं होता ऐसा कभी नहीं हुआ आप पीछे पड़ के कर्ज लेते हैं तो अव्वल इस बात पर आई एम एफ को बुरा बता कहना उससे कर्ज क्यों दिया ये बड़ी अहम बात है कर्ज हमने लिया उसने दिया नहीं एक फर्क ये दूसरा ये कहना कि आईएमएफ जो है वो समझना जो हमारे यहाँ इम्प्रेशन कहते नहीं है इम्प्रेशन जिससे जो कर्जा लेने वाला होता है ना वो इस तरह फतेह का ऐलान करता है कि लगता है कि यह आपको मुफ्त में पैसे मिल गए हैं और बस अब आप आपकी हो होगी नहीं ये पैसे मुफ्त में नहीं होते आई एम एफ इमदादी अदारा नहीं है आई एम एफ बैंक है और इस बैंक में पैसे जो ममालिक हैं जो मेबर ममालिक बैंक के मेंबर हैं और उनके पैसे लगे हुए उसमें जाहिर बहुत सारे ममालिक खुशहाल हैं तो कर्ज देते हैं जो बहुत सारे ममालिक खुशहाल नहीं है जो कर्ज लेते हैं तो सब, मगर ये कर्ज होता है बैंक का और उसमें दो बातें बिल्कुल वादा होती हैं पहली बात यह है कि ये इंटरेस्ट फ्री नहीं होता इस पर आपको सूद देना होता और हर कर्ज लेने वाले को ये पता होता है कि आई में सूद लेता है लेकिन दूसरों से कम लेता है तो ये कहना कि आईएमएफ ने सूद ले लिया भाई तो वो देते ही है सूद पे पैसा बैंक की है वो आईएमएफ तो कोई खरातदारा नहीं है कभी आईएमएफ ने दवा नहीं किया तो उसको कंडेम करना इस इसमें गलत बात है ये ये वही अफसाना बनाना और फिर उस पे रोना भी कि हाय है दुल। भाई तो भाई जुल्म क्यों हो गया वो बात है तो बहुत सरन ये कहेंगे कि आईएमएफ पर कर्जा लेने की ख्वाहिश हमारी है पाकिस्तान की और उसको इस तरह पेश करना कि शायद हमारी कोई उससे इस्तेसाल हो रहा है ये फसाना है हकीकत यह है कि पाकिस्तान की रियासत को चलाने के लिए जो पैसे दरकार हैं वो टैक्सेस से जमा नहीं हो पाते और जो अखराज हैं और जो रेवेन्यू है उसके दरमियान में जो खलीज है उसको पूर भी करने भी के भी लिए कर्जा लेना पड़ता है और वो कर्ज़ा आईएमएफ से इसलिए लिया जाता है कि इसको आईएमएफ को हम इकोनॉमिक्स में लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं यानी वो Uh, uh, lender, वो पैसे देने वाला इदारा कि जो आखिर इनकार कर दे तो आखिर में सके। हाँ, और और उसकी बुनियाद पर, पर दूसरे यकीन आपकी बैलेंस शीट रिस्टोर होती है तो यहाँ इस प्रोग्राम को हम इख्ताम की तरफ लाते हैं और हमारी ख्वाहिश होगी कि हम गाहे बा गाहे आपसे कुछ कुतुब का तस्करा भी कर सके तो एक मुख्तसर तस्करा हम एक किताब के लिए करेंगे और उस किताब का नाम है ऑफ इस्लाम डिसलूशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान ये किताब मजहब पर नहीं है ये किताब असल में पाकिस्तान की आज की जबू हाली का एक बहुत ही एनालिसिस है ये किताब जर्मनी के प्रोफेसर जनाब प्रोफेसर जमाल मलिक साहब की है कि जिसमें उन्होंने जनरल हक साहब मरहूम के ज़माने में किए गए माशरती एक्सपेरिमेंट को कि जिसमें उन्होंने कौम को इकतसाद से हटाकर जुनूनीत की तरफ लाए ताकि वो एक जंग को अफगानिस्तान में सपोर्ट किया जा सके उसकी एक पूरी तफसील है कि किस तरीके से पाकिस्तान के समाजी इदारे जैसे कि मसाजिद हैं या जैसे कि कम्युनिटी है या जैसे कि कौंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी है उन सब को किस तरीके से मनीपुलेट किया गया जिसका नतीजा ये है कि आज मुल्क में हिजान की सूरत हाल बरपा है जिसका नतीजा ये है कि इकतसाद तकरीबन तबाह हो चुका है और जिसका नतीजा ये है कि सियासतदान सियासी अमल को आगे चलाने सेसिर हैं और जिसका नतीजा ये है कि गैर सियासी क़वतें आकर पाकिस्तान के आइन को पामाल करती हमारी ख्वाहिश किताबों का बहुत अच्छा है और इस पे फिर मैं भी कुछ किताबें पेश करूंगा बहुत बहुत शुक्रिया और किताबें जो आपको मिले तो कभी पढ़ने भेज भी दिया करें अनवर इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया आपसे इजाजत लेते हैं खवातन वजरात इस प्रोग्राम के दरमियान अगर कोई आपको ऐसे लगे कि हमने कोई ऐसी बात की कि जिसका हकीकत से ताल्लुक़ ना था तो उसके लिए हम माज़र चाहते हैं इस स्क्रीन पर दिए गए हुए ई एड्रेस पर आप हमसे रबता कीजिए ताकि अगले प्रोग्राम में हम आपकी की गई तस्ह को लोगों के साथ शेयर कर सकें अपना ख्याल रखिए खुश रहिए आबाद रहिए